नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और आप देख रहे हैं एनक्लैक्स बेस्ड नर्सिंग। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लोप्रामाइड टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये जो लोप्रामाइड टेबलेट आती है, इसको मेनली एंटी डायरियल दवा भी बोला जाता है, क्योंकि इसको डायरिया को ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। मतलब दस्त किसी के लग जाए तो उनको ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि जब अपने इंटेस्टाइन मतलब जो आंत होती है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, तो उसकी वजह से अपने पतला पतला मल लगने लग जाता है, और बार बार मतलब बार बार लगने लग जाता है। मतलब दिन में 5 बार भी लग सकता है, 6 बार भी लग सकता है। तो उस कंडीशन को अपन दस्त बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। तो इस डायरिया को ठीक करने के लिए अपने को जो इंटेस्टाइन है, जो आंत है जिसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करना होगा, जिसकी वजह से ये ठीक हो पाए। तो इसलिए ये जो लोप्रामाइड दवा है इसको काम में लेते हैं। ये अपनी बॉडी में जाके जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, उन पे जाके इफेक्ट करती है, और उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको धीरे करती है। धीरे करने की वजह से जो मल है अपनी इंटेस्टाइन में वो ठोस भी बनेगा, और जो 5 से 6 बार जो फ्रीक्वेंसी थी अपने को स्टूल लगने की, वो भी दिन में 1 से 2 बार हो जाएगी या 2 से 3 बार हो जाएगी। तो इस प्रकार ये डायरिया को ठीक करती है अपनी बॉडी में। दोस्तों कभी कभी अपन क्या करते हैं कि डायरिया को ठीक करने के लिए इसकी डोज ज़्यादा ले देते हैं कि भाई जल्दी से ठीक हो जाए, एकदम ठीक हो जाए। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इस दवा के। जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं उनमें इंक्लूडेड रहते हैं जैसे स्किन पर ब्लिस्टर्स, फफोले हो सकते हैं। इसके अलावा दुष्प्रभाव में जैसे डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, मतलब जो पेशाब लग रहा है अपने को उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है, या फिर छाती में दर्द देखने को मिल सकता है, या फिर इचिंग, शरीर में खुजली चल सकती है। तो ये इसके कुछ दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं इसकी। एक्सेसिव डोज हो जाए अपनी बॉडी में तो उसकी वजह से कुछ पर्सन्स में ये शिकायत देखी जाती है कि लोप्रामाइड टेबलेट वो लेते हैं और लेते ही उनकी बॉडी में खुजली चलने लग जाती है, पूरी बॉडी रेडनेस हो जाती है, बार बार छींके स्नीजिंग आने लग जाती है। तो हो सकता है उनके लोप्रामाइड जो टेबलेट है उससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो, जिसकी वजह से ये कंडीशंस डेवलप हो रही हो। तो उस कंडीशन में वो इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें, और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों ऐसा अगर नहीं करते हो और दवा को कंटिन्यू रखते हो तो हो सकता है ये आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कॉज कर दे, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। दवा को तो हमेशा डॉक्टर के परामर्श से यूज़ में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ में लें, अपने आप से दवा को यूज़ में ना लें। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।